उत्थे ये हॉस्पिटल भी चल रहा है। बहुत सारे डॉक्टर ने अपनी सेवा दिती हुई है, रोज दूरों चल के आते ने, मरीजों को चेक करते ने। सो अज संगत दे विच जो डॉक्टर साहबान आए ने, उन्होंने कुछ तुहानू बेनतियां करनियां, जिवें कि अज संसार दे अंदर जिथे होर रोग बड़े भयानक हैं, कैंसर का रोग जेड़ा है ये बड़ा भयानक रोग है और इसका पता नहीं लगता। कई बार अखीर ते ही प्राणी पहुंच जाता है तो फिर जाके पता लगता। सो इन्हां कोल टैस्ट ऐसे हैं कि जे किसी नूं 10 साल बाद होना है, पता लगना है, वो हुणे पता लग जाएगा कि शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज बन रही है कि 10 साल बाद कैंसर हो सकती है। सो उहदे बारे तुहानूं दस्सणगे। इत्थे कल नूं फिर कैंप हॉस्पिटल लाया जाना है, खास करके बीबियां नूं बेनती है कि वह भी जरूर चैक कराउण, भाई भी चैक करा सकते हैं। तो जे इत्थे लिस्ट बन जाए, इन्हां नूं पता होवे कि किन्ने प्रेमी आ रहे ते होर चंगा है, भाई नसीब सिंह जी नाम लिख लैण, बाकी आप तुहानूं सारा दस्सणगे। कैंप जिहड़ा लगना उहदे बारे भी जिहड़े टैस्ट करदे ने कि पहला ही 10 साल पता लग जाए कि ऐसी कोई बीमारी है जिहड़ी साढ़े सी च आ रही है, और इहदा इलाज पहला बड़ा सौख है, हुण हो सकदा बाद च नहीं हो सकता। सो इस करके बड़े ही ध्यान दे नाल आप जी श्रवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने आप नू सुभाग समझदी हां कि मैनू इत्थे इन्नी संगत दे विच यह चांस मिल रहा है कि मैं थोड़ा जिहा आप नू आगू कर सका कि बाबा जी ने दस ही दिता है कि यह भयानक बीमारी जिहड़ी अजकल हुण ज्यादा बाकी बीमारियां नालों बहुत ज्यादा भैड़ी है, क्योंकि जदों पता चलता है उदों तकरीबन इलाज हो ही नहीं सकता, बहुत पैसे भी लगते हैं, जे कुछ हुंदा भी है, कोशिश तो हर एक इंसान करता है पर और फैमिली दे विच वक्त पै जांदा है, क्यों ये बीमारी जे है यह घर की बीबी नूं होई है जिहड़ी सब दा देखभाल करदी सी। नॉर्मली सारी फैमिली उस दी औरत दी सोचदे ही नहीं कि यह कितनी सैक्रीफाइस करदी है। आदमी सारा कुछ इंतजाम करता है, खैर अजकल तो बीबियां भी बराबर ते लगियां होईयां हन, पर मेन जिम्मेवारी तो आदमी की है, पर जो औरत करती है उसनू बिल्कुल सोचा ही नहीं जाता। औरत बीमार होंदी है तो किसी नू दसदी ही नहीं, पहली गल है, या अपनी सहेलियां नाल गल कर लेंदी है, उत्थे हां भैन कोई नहीं मैनू भी होया सी ते कोई गल नहीं होजू ठीक, घर वालियां नू उदों ही पता लगता है जदों कोई वाह नहीं चलती। ए कोई शक वाली गल नहीं कि घर विच आदमी नूं जुकाम भी हुंदा है तो सारा टब्बर पिछे लग्या हुंदा है, कोई स्टीम देगा, कोई मेडिसिन की कोशिश करेगा, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, पर औरत ना दसे, जे दसदी भी है तां सोचदे तां आप ही अपने आप नूं देख दुख लेगी
कोई खास गल नहीं है। और इस कैंसर की बीमारी की खासकर यह चीज है कि दर्द नहीं करती, यह कोई इलामत नहीं दिंदी। कैंसर है की चीज? कैंसर यही चीज है, नॉर्मली अपनी आ चमड़ी है, कोई भी हिस्सा है जिस्म का, यह जिस तरह उही चमड़ी गिरती रहती है, नवी बन जाती है, अपन पता भी नहीं चलता। तो यही जेड़ा सैल असी कहने हैं, छोटी जी चीज हुंदी है, जेड़ा बन बन के अपा चमड़ी बनी है, जो जो भी इंसान बने है, यही सैल जेड़ा है डिसिप्लिन च है, परमात्मा ने रखिया है। जेड़ा चमड़ी दा वह चमड़ी बननी है, जेड़ा अख दा वह अख ही बननी है। पर कई हालातों के विच यही सैल बिगड़ जाता है, बिगड़े बच्चे की तरह, जेड़ा मां बेहो दे आखे नहीं लगता, जिधर नू मर्जी तुर पैंदा, जो मर्जी करता, मुसीबत आती है घर च, उही हाल इस सैल का है कि यह एबनॉर्मल बन जाता है। एक की थां दो, दो की थां चार, चार की थां छे बिगड़े हुए कट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हुंदा विच ही है जिस्म दे, पता नहीं चलता। पता कदों चलता? जदों ये किसी होर चीज नू फड़ लैंदा है नाल। बिगड़े बच्चे का भी तो तद ही पता चलता है ना, जदों किसी नू नुकसान करे, जिनी देर वह अपने मन च ही सोचता रहिंदा गल्लां, उन्नी देर तक कोई फर्क नहीं पैंदा, उदों ही पता चलता जदों किसी दूसरे नू असर हुंदा। इसे तरह कैंसर का उदों पता चलता है जदों वह किसी नाड़ नू फड़ लिया, खून वाली नू जां दूजी नू, जिथों दर्द होया जां ब्लीडिंग हो गई, सो उदों यह आपे तो बाहर होया हुंदा। फिर इहनू रोकण का बहुत मुश्किल है। जिस तरह बिगड़े हुए बच्चे नू मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिहड़ी आम आप सारे समझ सकते हैं भी संभालना मुश्किल है, शुरू शुरू दे विच संभाल सकते हैं। यह चीज मैनू दिमाग विचों कित्थे आई मैं थोनू दस दवा। मैं मेडिकल कॉलेज रही हूँ 25 साल, मेरे को मरीज आते रहे ने अखीरले टाइम के उत्ते, जदों कुछ नहीं सी कर सकते, स्टूडेंट्स नू पढ़ाते सी, उन्हां नू दसदे सी कि भाई आ चीज़ा हैगियां जिन्हां नू रोकना चाहीदा, ए तो जैड तक सारा कुछ दसीदा सी, पर साढ़े कोल जदों मरीज पहुँचते सी तां वी वर हैल्पलैस। पटियाले च सी मैं, साढ़े कोल तां सवाए ऑपरेशन ते कुछ नहीं सी हो सकता, बिजली लगती सी, चंडीगढ़ भेजने पैंदे सी, ते इको सेंटर सी पहले अमृतसर जां इत्थे, सो तुसी इमेजिन कर सकते हो कि की हालात सी। परसेंटेज साढ़े मेरे टाइम दे विच आई रिमेंबर ओनली 2 केसेस जेडे अर्लीएस्ट स्टेजेस ते हैं। वन लेडी डाइड लास्ट ईयर ओनली, द अनदर इज अनदर डाइड 3-4 ईयर्स बैक, आई मीन शी लिव्ड सो लॉन्ग, आई रिटायर 27 ईयर्स बैक। सो वट आई मीन टू से के वेले सिर फड़िया जाए तो उसका इलाज है, फैमिली दे उत्ते भी कोई बोझ नहीं है। और ये चीज मैं सोची तो जदों मैं एक बारी WHO की कॉन्फ्रेंस दे विच अमरीका दे विच कैंसर दे उत्ते सारी WHO दे लेडीज आई हुई सी सारे कंट्रीज चो, ते ओ औरतां दे ओवरी दे कैंसर की गल करी जान, लेडीज दे कैंसर की गल हो रही सी, ते ओवरी दा कैंसर जिहड़ा है वह 2 नंबर ते आंदा लेडीज दे विच। 1 नंबर ते आंदा कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी का मूँह है जिहड़ा, उहदा इन्ना कॉमन है कि 100 दे विचों 1 औरत नू जरूर हुंदा है। पिछली यह पिछला इंसीडेंस है, अजकल का नहीं है, हो सकता हूं ज्यादा होवे क्योंकि हालात हूं होर ज्यादा खराब ने। सो मैं क्वेश्चन कर दिता उठ के कि भाई तुसी ओवरी की गल करी जाने हो, तो 2 नंबर ते 1 नंबर की तुसी गल ही नहीं करते। आई वॉज सरप्राइज टू हियर, वह कहते वी हैव एरेडिकेटेड इट, साढ़े हुंदा ही नहीं है। आई वॉज इन द मेडिकल कॉलेज, स्टिल आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट टिल दिस वॉज पुट, मेरे दिमाग दे विच उन्होंने यह गल कही कि साढ़े तो है ही नहीं, खत्म करता सी की गल करनी है। जेडे बाहर दे लोग ने उन्होंने तो पता ही होना कि हर एक फैमिली उत्थे स्क्रीन हुंदी है, ते वो पैपसमीयर करते ने, सिंपल जा टेस्ट है जेड़ा कोई तकलीफ नहीं हुंदी, एवें जिस तरह एग्जामिन करीदा इस तरह हैगा, उहदे च इंडीकेशन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जदों बच्चे ने बिगड़ना
जिदा मैं पहला गल की है पहला तो शुरू हुंदा ना सो वो बिगड़न ते जो अलामत शुरू होंदिया ने तुसी उदों ही फड़ लिया बच्चे नूं थोड़ा संभाल लिया तो ठीक हो जाता। बहुत एग्जाम्पल्स ने तुसी तो सारे स्याणे हो इत्थे पॉलिटिक्स दे विच भी किहड़े बंदे किस तरह सीगे कित्थे पहुंच गए पहला की करदे सी इस तरह संत महाराज भी आपां हिस्ट्रीज पढ़दे हां कित्थों उठ के कौडा राक्षस देख लो कित्थों उठ के कित्थे पहुंच गया। सो वट आई मीन टू से बई इस दी सानू अवेयरनैस होनी चाहीदी है। मैं इस तो ज्यादा होर शौक हुई एक थाईलैंड दी लेडी उठ के खड़ी हो गई कि वी हैव ऑलसो रेडिकेटेड इट, इट्स अ स्मॉल कंट्री, छोटा जा देश है पर उन्होंने डिसिपलिन बहुत है। सो उन्होंने हैल्थ स्कीम होनी है जिदे नाल लेडी सारिया स्क्रीन हो गई कि जिथे शक पैंदा उन्हें इलाज कर दो कैंसर क्यों होगा। उस तो मैं सोचा कि मैं जोड़ा कुछ मेरे को हो सकता मैं करम, मैं रिटायर हो चुकी सी, मैं बड़ी कोशिश की थी इधर उधर करन दी कि भई बड़े लैवल दे उत्ते स्पैशली पंजाब दे विच सारे पंजाब नूं स्क्रीन कर दवां, पर तुहानूं पता पॉलिटिक्स इदां ही है। ईवन सारा समान भी खरीदया गया सी, हालात ऐसे हो गए कि प्रोग्राम रह गया। मैं कोशिश कर दी हां कि जिथे भी होवां 34 सैक्टर दे विच, अज तो 8-9 साल पहला जदों मैं कॉन्फ्रेंस ते गई सी उदों दा मैं शुरू कीता होया चल रहा प्रोग्राम। इत्थे मैनू डॉक्टर कटारिया साहब ले आए सी पहली बारी, ते इत्थे मैं देखिया लेडीज आंदियां बहुत दूर दूर तो संगत आंदी है। मैं मेरा मेन आइडिया यह है इनू दसो सारिया नू, कोई गल नहीं कोई खास पैसा नहीं लगता, असी तो सारा कुछ मुफ्त करते हैं। गवर्नर सी चंडीगढ़ का, उन्होंने मैं बेनती की इस तरह ही असी जो एक सेंटर खोल रहे सी उन्होंने फ्री कर दिता कि जेडे तुसी भी भेजोगे सारिया स्लाइडा फ्री। सो इत्थे जेडे असी टेस्ट करना है जेड़ा कि नॉर्मली पहला तो तुसी लेडी नू लेके जाओगे डॉक्टर की फीस दे जां PGI च दोगे जां बत्ती दे मेडिकल पर असी फ्री करते हैं। मैं होर थावां ते भी कैंप करते हैं, कल ही असी बड़ू साहब का चीमा साहब सेंटर है उत्थे करके आए हैं। मेहरबानी करके इत्थे भी जिन्नियां बीबियां आ सकदियां, डरन वाली कोई गल नहीं है, नॉर्मल है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करते, सिंपल एग्जामीनेशन है जिदे नाल असी थोड़ा जा पानी लैने ते उन्हूं स्लाइड दे उत्ते ला लैने और वह टेस्ट सका के दवाई पा के उन्हूं भेज दिंदे आ मेडिकल कॉलेज। 15-20 दिन के अंदर अंदर सानू रिपोर्ट आ जाती है। असी हर एक लेडी का टेलीफोन नंबर लिखते हैं घर का, किसी की प्रॉब्लम होंदी है असी उन्हें टेलीफोनिकली इनफॉर्म करते हैं बुलाने हैं। और आई एम लकी दैट वे कि मेरे स्टूडेंट्स है PGI के जो प्रोफेसर बने हुए हैं अजकल, तो उन्होंने को भेज देईदा उत्थे इलाज हो जाता है जिन्होंने कैंसर होया हो। बाकी जड़े है उन्होंने इलाज अब शुरू कर देईदा लगातार, उन्होंने दस देईदा भाई बीबी आती रहे ठीक आते हैं साल बाद फिर चैकअप कराते रहो। सो यह बेनती है कि इस चीज़ तो डरन की गल नहीं, स्पैशली मैं वीरां नूं ते भाईआं नूं इह कहांगी कि बीबियां नूं तुसीं उत्साह दिओ कि भाई जाओ जाके कराओ, क्योंकि साडे देश च उह तां कंपलसरी तां है नहीं कि गौरमेंट करे जां कुछ करे, असीं लोग ही हैं जिहड़े इक दूजे की हैल्प कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। साध संगत जी, ये सन डॉक्टर सुखदेव कौर ग्रेवाल, इतों की संस्था वालों थोड़िया सारिया संगतों वालों इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी जिंदगी का तजर्बा दसिया, ये वो डॉक्टर ने जिन्होंने उस बाणी की तुक न सुन के पहला मनिया मन के फिर कमा रहे ने, विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बैसण पाई है। बीबिया प्रति खास करके उन्होंने बेनती की है कि यह जी बीमारियां हो जिन्हों का पता नहीं लगता, जो पता लगता है फिर कुछ बनता नहीं। छाती का पेट का दो कैंसर
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੋਹਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗੋਲ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 9:30 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਲੇਡੀਜ਼, ਆਲ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਸ਼ਰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜਿਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਣ